नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में कई फिल्में बनी हैं और आए दिन बनती भी रहती हैं। ऐसे में आज हम बिहार के मुद्दों पर केंद्रित फिल्मों के बारे में आज के इस वीडियो में बताएंगे, जिन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये ऐसी फिल्में हैं जिन्हें बिहार के अंश को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी कुल मिलाकर 7 फिल्मों की चर्चा करने वाले हैं, जिसके तहत सबसे पहले हम बात करेंगे तीसरी कसम की। वहीदा रहमान और राज कपूर अभिनीत यह फिल्म 1966 में बनी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की कहानी के लेखाकार कोई और नहीं बल्कि जाने माने बिहारी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु थे। इस फिल्म की पटकथा मारे गए गुलफाम कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के संवाद फणीश्वर नाथ रेणु ने खुद लिखे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में ही हुआ था। बासु भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित तीसरी कसम एक ऐसी गैर परंपरागत फिल्म है जो भारत के देहाती दुनिया और वहां के लोगों को सादगी को दर्शाती है। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई थी, मगर इस फिल्म की कहानी के कारण ही इसे हिंदी फिल्म के श्रेष्ठतम फिल्मों में गिनती जरूर की जाती है। और यही कारण है कि इस फिल्म के निर्माण के एक साल बाद ही यानी कि 1967 में ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी इसे मिला था। अब हम बात करेंगे गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 की। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 अनुराग कश्यप निर्मित फिल्म है। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, दिग्मंशु धूलिया, पीयूष मिश्रा और पंकज त्रिपाठी देखने को मिले हैं। इस फिल्म के दोनों सीरीज को दर्शकों ने खूब सराहा था। इस सभी कलाकारों से भरी इस फिल्म में जबरदस्त डायलॉग देखने को मिले हैं, जिन्हें लोग आज तक याद करते हैं। इस फिल्म ने झारखंड में दिखाने वाले कोल माफिया के इर्द गिर्द घूमती यह फिल्म दो परिवारों की खानदानी दुश्मनी को शानदार तरीके से दिखाती है। इस फिल्म के पहले भाग को बेस्ट ऑडियोग्राफी का नेशनल अवार्ड तो दूसरे फिल्म को नवाजुद्दीन सिद्दीकी को स्पेशल जूरी अवार्ड से नवाजा गया था। हालांकि यह फिल्म आज भी युवाओं में काफी ज्यादा मशहूर है। इसके बाद अब हम बात करेंगे फिल्म दाबुल की। यह फिल्म 90 के दशक के समय में बिहार के बावन और भूमियार की तरफ से दलितों पर किए जा रहे अत्याचार पर आधारित है। यह फिल्म उपन्यासकार शैवाल के हिंदी उपन्यास कालसूत्र पर आधारित हिंदी फीचर फिल्म है। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक प्रकाश झा है। इस फिल्म में अनु कपूर और दीप्ति नवल का अभिनय देखने को मिल रहा है। साल 1984 में दावल ने बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीता था। अब हम बात करेंगे गंगाजल की। इस फिल्म का निर्माण साल 2003 में हुआ था, जिसे प्रकाश झा के निर्देशन में बनाया गया था। इस फिल्म में अजय देवगन और ग्रेसी सिंह ने अपने अभिनय का प्रमाण पेश किया था। इस फिल्म में बिहार में अपराध और पुलिस की मिलीभगत को लेकर शुरू हुई राजनीति को अलग और बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। भागलपुर में कैदियों की आंख फोड़ने वाली सच्ची घटना को इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में अजय देवगन ने एक ईमानदार एसपी का किरदार शानदार तरीके से निभाया है, और यही कारण है कि इस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी बेस्ट फिल्म के लिए नेशनल फील्ड अवार्ड से नवाजा गया है। अब बात प्रकाश झा की एक और फिल्म अपहरण की। प्रकाश झा का नाता बिहार से रहा है, और यही कारण है कि प्रकाश झा ने कई बार बिहार से संबंधित फिल्मों को बनाया है। इसी कड़ी में उन्होंने अपहरण फिल्म का निर्माण किया था। इस फिल्म में अजय देवगन, नाना पाटेकर और बिपाशा बासु ने एक्टिंग की थी। इस फिल्म को 2005 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में आशीर्वादी पिता और महत्वाकांक्षी पुत्र के बीच विरोधाभासी टकराव और कहानी दिखाई गई है, जिनकी पृष्ठभूमि पर बिहार जैसे उत्तरी प्रांतों में अपहरण और राजनीतिक कारणों को कारण आपराधिक गतिविधियों के लिए उद्योग का रूप ले चुका था। अब बात शूल फिल्म की। 1999 में बिहार की राजनीति और उसके अपराधीकरण पर बनी फिल्म शूल में मुख्य किरदार मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन थे। इस फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने प्रोड्यूस किया था। वहीं इस फिल्म का निर्माण किया था ई निवास ने। ये फिल्म एक एक्शन क्राइम फिल्म है। इस फिल्म में एक ईमानदार पुलिस वाले और उसके परिवार के जीवन के उलझन की कहानी को दर्शाया गया है। इस फिल्म ने बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था। अब हम बात करेंगे बिहार में होने वाले जबरिया शादी पर आधारित फिल्म अंतरद्वंद की। अक्सर बिहार में जबरिया शादी के कई मामलों को देखा गया है, जहां आज भी इस प्रथा ने बिहार के नाम को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां जबरिया शादी की प्रथा आए दिन देखने को मिल जाती है। वहीं बिहार की इन्हीं सच्ची घटनाओं पर आधारित अंतरद्वंद फिल्म का निर्माण किया गया था। इस फिल्म को रिलीज साल 2010 में किया गया था। हालांकि यह फिल्म बेहद ही शानदार बताई गई थी।
इस फिल्म में आप विनय पाठक और अखिलेंद्र मिश्रा की दमदार एक्टिंग को देखेंगे। इतना ही नहीं, इसकी कहानी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि इस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके अनुसार बिहार की सच्ची घटनाओं पर आधारित आपकी कौन सी पसंदीदा फिल्म है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।